जिंदगी हर सुबह खुशियों और उम्मीदों का नया सवेरा लेकर आती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, इसमें व्यायाम से लेकर खान पान तक शामिल होता है। वह व्यक्ति न तो कोई योग गुरु होते हैं और न ही किसी स्कूल के टीचर, फिर भी उनका योगा हर किसी को हैरान कर देता है। अपने 100 किलो वजन के साथ वह पानी पर लेटकर ऐसा योगासन करते हैं कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। वह खुशी खुशी नदी या तालाब में जाते हैं और पानी पर ऐसे लेट जाते हैं जैसे पानी उनके लिए कोई आरामदायक बिस्तर हो। दुर्लभ योगासन करने वाले इन शख्स का रोचक किस्सा थोड़ा अलग है। पानी पर योगा आसन करने वाले अनोखे शख्स का नाम भगवान दास दहिया है। वह योग गुरु नहीं है, भगवान दास पुलिस हवलदार हैं और वह मध्य प्रदेश के दमोह में तैनात हैं। जब वह योगासन करते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं। असंभव सा दिखने वाला योगासन उनके लिए बिल्कुल आसान होता है। भगवान दास दहिया ने ऐसा पहली बार नहीं किया, बल्कि वह बीते 15 सालों से इस तरह का योग करते आ रहे हैं। वह पानी में तरह तरह के आसन करते हैं। इतना ही नहीं, वह 2 घंटे 20 मिनट तक जल योग का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। अपने योग को लेकर विभाग में भी उनकी चर्चा होती है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता कि आखिर वह ऐसा कैसे कर लेते हैं। वैसे नौकरी के साथ साथ ऐसा योगा उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। साधारण दिखकर भी असाधारण योग करने वाले भगवान दास कहते हैं कि यह ईश्वर की कृपा का योग है। इस चैनल पर आपको भी सभी तरह की सच्ची कहानियाँ और रोचक किस्से पसंद आते हैं, तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी कहानी किस्से के साथ।